एमएनएस न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज लाइव। खबरों की शुरुआत करें इससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। गला काटकर युवती की हत्या, डब्बे में मिल रही सुगंधित तंबाकू, गेहूं की कालाबाजारी करते तीन गिरफ्तार। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। राजस्थान जयपुर में घर से करीब 150 मीटर दूर एक युवती की लाश मिली है। गला काटकर उसकी हत्या की गई है। बुधवार रात करीब 8 बजे तक वह घर में ही थी, उसके बाद किसी ने उसे नहीं देखा। आधी रात के बाद भाई पिता घर आए तो उन्होंने उसकी खोजबीन शुरू की। पिता को घर से थोड़ी ही दूर पर कटीली तारों के बीच में बेटी का शव दिखाई दिया, तब पुलिस को सूचना दी गई। यह मामला जयपुर ग्रामीण के पावाटा का है। प्रागपुर पुलिस की जांच में सामने आया कि युवती की 5 महीने पहले सगाई हुई थी। मंगेतर किसी दूसरी युवती को लेकर भाग गया था। इसके बाद युवती के परिवार ने शादी तोड़ दी थी। युवक शादी का दबाव बना रहा था। जयपुर ग्रामीण एएसपी सुमिता गुप्ता ने बताया कि डोडा वाली ढाणी की रहने वाली मनीषा मीना का शव मिला है। वह राजकुमार मीना की बेटी है। मनीषा का एक बड़ा भाई मनोज भी है तथा 2 बहनें हैं। मनीषा से एक छोटी बहन है। उसके पिता और भाई शादी की डीजे का बिजनेस करते हैं। दोनों बुधवार दोपहर किसी प्रोग्राम में गए थे। रात करीब 12 बजे बड़ा भाई मनोज घर पहुंचा। वह कमरे में गया तो मनीषा नजर नहीं आई। भाई बहन एक ही कमरे में सोते थे, माँ दूसरे कमरे में सो रही थी। माँ ने भी किसी भी जानकारी से इनकार कर दिया। प्रारंभिक पड़ताल में सामने आया कि मनीषा की 5 महीने पहले ही एक युवक से सगाई हुई थी। वह युवक किसी और लड़की को लेकर भाग गया। पुलिस ने भागी हुई लड़की और लड़के को पकड़ लिया। मनीषा के घर वालों ने सगाई तोड़ दी थी। इसके बाद युवक मनीषा पर सगाई व शादी के लिए दबाव बना रहा था, इसीलिए वह तैयार नहीं थी। उस युवक की तलाश जारी है। दूसरी खबर, कुछ वर्ष पहले राज्य में सुगंधित तंबाकू पर प्रतिबंध लगाया गया है और सुगंधित तंबाकू की बिक्री और तस्करी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, लेकिन इस तंबाकू का व्यापार आज भी जिले में चोरी छिपे धड़ल्ले से चल रहा है। बड़ी आसानी से सुगंधित तंबाकू उपलब्ध हो रही है। वर्तमान स्थिति में आलम यह है कि प्रत्येक पान ठेलों में सुगंधित तंबाकू समेत प्रतिबंधित गुटखा भी सहजता से उपलब्ध हो रहा है, लेकिन अब कोरोना की तीसरी लहर के मद्देनजर राज्य सरकार ने नई नियमावली जारी कर लोगों को सूचना और निर्देशों पर कड़ाई से पालन करने के आदेश दिए हैं। लॉकडाउन की आशंका के चलते अब सुगंधित तंबाकू का व्यवसाय करने वालों ने अचानक तंबाकू की कीमत बढ़ा दी। तीसरी खबर, सरकारी राशन दुकान के गेहूं से लदे ट्रक से गेहूं के बोरियां निकालकर टाटा एसी के माध्यम से तस्करी करने का प्रयास कर रहे 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। अपराध शाखा की टीम बडनेरा में मंगलवार की रात पेट्रोलिंग कर रही थी, तब उन्हें बडनेरा वडूरा रोड पर एक ट्रक से गेहूं की बोरियां को टाटा एसी में लोडिंग करते 3 आरोपी दिखाई दिए। पुलिस को देखकर आरोपी भागने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें धर दबोच लिया। इन आरोपियों को आगे की कार्यवाही के लिए बडनेरा पुलिस के हवाले किया गया है। यह सरकारी राशन दुकान का गेहूं कहां जा रहा था और कौन कौन लोग इस कालाबाजारी में शामिल हैं, इस बारे में पूछताछ करने के लिए 3 आरोपियों को कोर्ट में पेश कर 4 दिन की कस्टडी में लिया गया है। इसी के साथ खास खबरों को यही विराम देते हैं। फिलहाल वक्त आ चला है एक ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देश और दुनिया की तमाम कुछ खास खबरें देखने के लिए बने रहे एमएनएस न्यूज लाइव के साथ। नमस्कार। ये है एमएनएस न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज।